मध्य प्रदेश की भगवानपुरा विधानसभा से विधायक विजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। 4 साल में विकास क्या हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और उसके अलावा वो दौर जब मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था 2013 में कि बीजेपी की लहर है, नरेंद्र मोदी की लहर है, शिवराज सिंह चौहान की लहर है, उस लहर के बीच 2 बार से जो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी उस सीट पर इन्होंने कैसे जीत हासिल की, उस रणनीति को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात विकास की करेंगे कि आखिर क्या कुछ मिला इन 4 सालों में जनता को। सोलंकी जी, क्या कुछ सौगातें 4 साल में जनता को दे पाए हैं? 4 साल में सौगातें हम दे पाए सरकार द्वारा, सबसे बड़ी बात तो है स्टेडियम मिला हमको 1,01,60,00,000 का, 2 पुलियाँ बनी है बड़ी बड़ी और 2 का काम चल रहा है अभी, और 1 रोड जो बिस्टान से चाचरे तक का डबल गोला का बना है गिट्टी कंक्रीट का, और हमने बिस्टान से भुसावल रोड की मांग भी करी हुई है, और बड़ी बड़ी चीज़ों की मांग कर रहे हैं, नगर पालिका की मांग कर रहे हैं, इसको कॉलेज की मांग कर रहे हैं, इसकी मांग हमने विधानसभा में रखी है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो जमुना सिंह जी यहाँ से विधायक हुआ करते थे, उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट थी। यहाँ सबसे बड़ा जो अहम सवाल है कि आखिर वो दौर जब ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अजेय की स्थिति में है, 10 साल से जहाँ बीजेपी के विधायक थे उस सीट पर जीतने के लिए क्या रणनीति आखिर थी? भाई ये तो सभी को मालूम है, शिवराज सिंह चौहान का माहौल था पूरे प्रदेश में और सीटों पर ही। हम तो क्या पहली बार चुन के आए और युवा थे, हमारे साथ में टोटल युवाओं के साथ थे, इसलिए हम जीत का युवा ने पूरा सपोर्ट करा हमारे साथ में, युवाओं का। हाँ, युवाओं का। या फिर 2 बार जो विधायक बीजेपी के रहे उनकी निष्क्रियता भी कहीं ना कहीं, या विकास नहीं हुआ क्षेत्र में, ये कोई जनता की नाराजगी थी? ऐसा तो नहीं, 2 ही बार चेंज हो गए थे। पहली बार जो विधायक जीता उनका भी टिकट कट गया था, और दूसरी बार जो विधायक लड़े थे वो उनका भी टिकट कट गया था, नए नए को देते जा रहे थे। इस बार भारी का था गजन पटेल, यानी बीजेपी को जो टिकट बदलना है वो भारी पड़ा। ठीक है, लेकिन ये कांग्रेस भी तो इस तरह की रणनीति के साथ ही 2013 के चुनाव में उतरी थी कि बहुत सारे नए जो युवा जो चेहरे हैं उनको ही टिकट दिया गया था। आप स्वयं पहली बार चुनाव आपने लड़ा, जिंदगी का शायद आपका पहला चुनाव था, वो चुनाव जीते, तो ऐसे में बीजेपी के लिए वो जो रणनीति है वो उलट कैसे साबित हुई? युवा के हिसाब से उल्टी है, हम खुद युवा थे, पहली बार टिकट लड़ा, कोई हमारे पास भेदभाव नहीं था, कोई गुटबाजी नहीं थी, एक 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 संगठन एक गुट होकर चुनाव लड़ा था और युवा पूरा साथ में था हमारे। 2018 को लेकर क्या सोचते हैं कि चूंकि 3 बार से लगातार कांग्रेस जो है वो विपक्ष में है, कहा यह जाता है कि कांग्रेस का जो बिखराव है वो एक बहुत बड़ा कारण है कांग्रेस की हार का, लेकिन क्या 2018 में ये तमाम जो नेता हैं ये एकजुट होंगे? एकजुट होंगे, 2018 का चुनाव एकजुट होकर लड़ेंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं और कोई गुटबाजी नहीं है, ये पक्की बात है। तो चेहरे को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही कि एक चेहरा मुख्यमंत्री का घोषित कर दिया जाए, मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए, क्या कांग्रेस को ये रणनीति लाभदायी साबित होगी? हाँ, लाभदायी होगी ना, किसी को भी एक को कांग्रेस मुख्यमंत्री प्रोजेक्टर करे, और सबसे ज़्यादा तो हर पूरे मध्य प्रदेश में सिंधिया जी का नाम चल रहा है, हर वर्ग का और युवा चाहते हैं सिंधिया जी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। लेकिन कैसे, मतलब क्यों आखिर ऐसा है, चूंकि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा सामने लाएं तो भारतीय जनता पार्टी तो ये तर्क देती है कि वो क्षेत्र तक सीमित हैं, फिर ऐसे में कैसे मुकाबला आखिर कांग्रेस कर पाएगी? हम यही बताना चाहते हैं बीजेपी पार्टी को, शिवराज सिंह चौहान को कभी सिंधिया जी आते हैं तो क्षेत्र तक क्या पूरा प्रदेश में क्या उनको तो पूरा भारत में धाक है, ये कहना झूठ बात है, सामने दिख जाएगा ना जैसे आएगा चेहरा तो। लेकिन अगर इसी पूरे सिंधिया परिवार की हम बात कर लें, जब माधव राव जी के सामने एक अवसर ऐसा आया था मध्य प्रदेश में कि वो यहाँ सरकार की कमान संभाल सकते थे, नाम भी चला था, लेकिन कांग्रेस के अंदर की ही जो नीतियाँ हैं या कांग्रेस के अन्य नेताओं की जो रणनीति है उसके कारण उस समय का सफलता का सामना करना पड़ा था और अचानक दिग्विजय सिंह जी का नाम आ गया था, तो इन परिस्थितियों के बीच आपको लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्वीकारता हो सकता है जनता में हो, लेकिन कांग्रेस के ही जो और दिग्गज नेता हैं या जो अन्य गुट हैं उनमें स्वीकारता हो जाएगी? देखो 15 साल हो गए बाहर रहते रहते, अब नेता लोगों ने भी समझ लिया है एकजुट होना है, सरकार बनाना तो एकजुट होना ही पड़ेगा और सिंधिया जी का नाम आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी पब्लिक चाहती है, मध्य प्रदेश की युवा टीम चाहती है, व्यापारी चाहती है, उद्योगपति सभी एक ही चेहरा चाहती है, क्योंकि साफ सुथरा है, युवा है, कोई उनको चीज की कमी नहीं है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश का इस वक्त जो हॉट टॉपिक है किसान कृषि,
किसान को उसका सही मूल्य नहीं मिल रहा है अपने उपार्जन का, इसे लेकर क्या वाकई में परिस्थितियां इतनी गंभीर हैं कि सरकार जो है वो दबाव में आ सकती है, या भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, या कांग्रेस की अपनी तैयारी इसे लेकर ज़मीनी स्तर पर संघर्ष की कितनी है? कांग्रेस की तो पूरी ज़मीनी लेवल पर जो है काश्तकार के साथ में और हमेशा रहेंगे। काश्तकार की इतनी बुरी हालत है नोटबंदी के बाद से और GST जब से लगी है, काश्तकार की हालत है। अभी भावांतर में भी किसानों को बहुत मार पड़ रही है और आत्महत्या कर रहे हैं किसान। BJP पार्टी से त्रस्त आ गया, भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है अब की बार 200 पार। ये गलत बात है, कहना और करना जमीन पर जाके देखो बहुत कुछ अंतर है। ये अच्छे दिन वाले मोदी जी ने बोला था अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आ गए नोटबंदी के बाद में। काश्तकार व्यापारी सभी परेशान हैं, कौन सा अच्छे दिन ला रहे हैं, सब तो बेडफुट पर आ गए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं या मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, वो तो कहते हैं कि विकास की गंगा मध्य प्रदेश में बह रही है। हमने बोलता पब्लिक में जाके बोलो देखो क्या हो रहा है, कहना कुछ है। पब्लिक के बीच में आम आदमी परेशान है, काश्तकार इतना परेशान है भी, सोयाबीन का भाव नहीं मिल रहा, कपास का भाव नहीं मिल रहा, कोई चीज़ का भाव नहीं मिल रहा। भाव अंतर की बात करें उसमें भी काश्तकार को गुमराह कर रहा, तो कहाँ से अच्छी बात है, मुआवजा नहीं मिलता है। ये भी बीमा योजना की बात करें, बीमा उन्होंने करवा लिया और काश्तकार को 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये मिल रहे थे, तो बहुत गलत है ना। काश्तकार गद्दारी कर रही है बिल्कुल। तो सरकार जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही है, ये कहना है सोलंकी जी का। आप देखना ये है कि क्या वाकई में सरकार, जिस तरह का विरोध इस वक्त आम जनता और किसान के बीच से आ रहा है और कांग्रेस भी इस बात को अब कह रही है, उसको कितना मैनेज भारतीय जनता पार्टी कर पाती है और इसका सीधा असर 2018 में पड़ता है या नहीं। कैमरामैन रिजवान खान के साथ हित किशोर शर्मा।